करने के लिए बने हुए हैं जाहिद हुसैन जी, जो कि पूर्व विधायक भी हैं पागबड़े से। आइए जानते हैं ईद उल अजहा को लेकर क्या शुभकामनाएं संदेश वो हमारी जनता को देना चाहेंगे और कुर्बानी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि साफ सफाई का कितना ख्याल रखना है। जाहिद हुसैन जी से आपको रूबरू कराते हैं। जाहिद हुसैन जी, आप सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि ईद उल अजहा नज़दीक ही है, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जनता को? मैं ये कहना चाहूँगा, अपने पहले तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईद उल फितर की, ईद उल अज़हा की, तो सभी देशवासियों को मुबारक। दूसरी बात यह है कि जब जो भी त्यौहार हो वो बहुत ही सौहार्दपूर्वक मनाया जावे, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान हमारा घर है, इंडिया हमारा घर है। यहाँ पे त्यौहार पे किसी प्रकार का भी उपद्रव नहीं होना चाहिए, बहुत प्रेम पूर्वक हो उसका तुरंत पालन करना चाहिए। ये हमारा दीन बताता है, इस्लाम बताता है कि जिस देश में रहो उस देश के वफादार बनकर। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कानून को का पालन करना हमारा फ़र्ज हो जाता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से ये गुजारिश करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि वो जो कुर्बानी करें वो अपना गोश्त को ढक कर ले जाएं। अगर कहीं उन्हें करीब में करनी पड़ रही है और दूसरी जगह गोश्त ले जाना है तो उसको ढक के लेके जाएं, और अगर उन्हें अपने ही अड़ोस पड़ोस में करनी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, हर बार ही सफाई के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सफाई मुसलमान का आधा ईमान है, अगर वो सफाई में भी कुछ कोताही करता है जो उसकी लागत नहीं लग रही तो बड़ी गलत बात है। दूसरा भाई भी हमारा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ज़्यादा नागवार गुजरता है, कोई तकलीफ हो। त्यौहार है हमारा, बहुत प्रेम पूर्वक मना में, और पड़ोसी को कोई तकलीफ ना, सबसे बेहतर बात यह है। जो टमाटर के दाम बढ़ गए हैं इस पर क्या कहना चाहेंगे? सब्जियों के दाम जैसा होता है कि चूँकि मैं किसान भी हूँ, कभी कभी फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद में जब हम काटने के लिए जाते हैं फसल को तो ओला पड़ जाता है, तो हम खाली हाथ ऐसे भी लौटे हैं खेत पे से कि जो हमने डाला था खेत में वो भी हमें नहीं मिल पाया। तो ऐसी ही स्थिति शायद अब आई हो कि एक तो डिमांड बढ़ी होगी, ये त्यौहार की वजह से, त्यौहार की वजह डिमांड बढ़ी होगी, और डिमांड के साथ में ये मुझे एक आध दिन में पता चलेगा। अभी तक तो मेरे यहाँ 15 रुपये 10 रुपये किलो बिक रहे थे, तो अब ये पता कल चलेगा कि अभी क्या रेट हो गया, क्यों हो गया। मैंने सुना है कि 100 रुपये का रेट हो गया, तो उसकी कमी की वजह से कि माल ख़राब हो गया है, इसमें कई कीड़े वगैरह ये वो लग जाते हैं, उसकी वजह से वो महंगा हो जाएगा। और कोई बात नहीं है, कोई साहब इसे इतनी जल्दी इम्पोर्ट भी नहीं कर सकती सरकार या कोई भी, कि आज महंगा हुआ तो कल को ला के मंडी में रख देगी, ऐसी कोई बात नहीं। महंगा है तो है, जहाँ किसान को फ़ायदा पहुँच जाएगा इससे या उसकी जमा, हम स्टॉक नहीं कर सकते। हर आदमी अपने माल का स्टॉक कर लेगा, किसी वजह से उसका मंदा बिक गया तो वो स्टॉक कर लेगा, हमें तो बेचना है। सुबह कुछ पैदा कर लिया, शाम तक हर आदमी बेचा, वरना सड़ जाएगा, हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम रुपये का माल 4 आने में बेच देते हैं, 6 आने में बेच देते हैं, 8 आने में बेच देते हैं। आज रुपये का रुपये में बिक गया, ये और कोई ख़ास बात तो है नहीं, महंगाई तो महंगाई है ही। टमाटर पर गरीब आदमी जरूर कूदेगा कि भाई टमाटर, उसका आलू और टमाटर ये दो चीज़ें उसकी खास गिज़ा है, जिसकी वजह से उसे खाफ तक तकलीफ पहुँचेगी। उसका सरकार ध्यान दे इस पर, इसके ऊपर मेरा ये सुझाव है। ये थे पागबड़े के पूर्व विधायक जाहिद हुसैन जी, जिन्होंने कुर्बानी को लेकर के, ईद उल अजहा को लेकर के अपनी बात रखी, और टमाटर को लेकर के भी जो अपनी बात रखी है। देखते रहिए हमारे साथ, कैमरा पर्सन उमेश के साथ फरहाना खान।